वहीं देश में किसानों के विकास के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजना में से एक पीएम किसान योजना भी है। इसमें सरकार सालाना 6000 रुपए की राशि देता है। ये राशि किस्त में दी जाती है। हर किस्त में किसानों को 2000 रुपए की राशि मिलती है। 28 फरवरी 2024 यानी कि आज सरकार पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करेगी। पीएम किसान योजना के लाभार्थी को किसान क्रेडिट स्कीम का लाभ भी मिलता है। इसमें किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जाती है। अगर किसान समय से पहले लोन की राशि चुका देता है तब उन्हें सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। अगर कोई भी किसान पशुपालन, मछली पालन या फिर खेती से संबंधित कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो ये किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन ले सकता है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसमें से किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन की सुविधा मिलती है। ये लोन 2% से 4% तक के ब्याज दर पर दिया जाता है। अब इसका आवेदन कैसे करें आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको अपने पास के बैंक ब्रांच जाकर आवेदन करना होगा। अब आपको यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म मांग सकते हैं। इस फॉर्म के साथ आपको आईडी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। और अब आप फॉर्म को भरकर बैंक में जमा कर दें और इसके बाद फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।